ओजस्वी तुम तेजस्वी तुम ओजस्वी तुम तेजस्वी तुम प्रचंड महाशक्ति हो तुम प्रचंड महाशक्ति हो तुम अनुशासन की महाक्रांति हो तुम अनुशासन की महाक्रांति हो तुम क्रांति हो तुम महाक्रांति हो तुम ओजस्वी तुम तेजस्वी तुम ओजस्वी तुम तेजस्वी तुम प्रचंड महाशक्ति हो तुम प्रचंड महाशक्ति हो तुम ज्वाला सी जलती मशाल हो तुम आत्म उन्नति के पथ में बढ़ते चलो तुम बढ़ते चलो अंधकार मिटाते चलो तुम यज्ञ महावेदी की प्रचंड आहुति हो तुम सूर्य के समान महाज्योति हो तुम महाज्योति हो तुम महाज्योति हो तुम ओजस्वी तुम तेजस्वी तुम ओजस्वी तुम तेजस्वी तुम प्रचंड महाशक्ति हो तुम प्रचंड महाशक्ति हो तुम प्रखर तेज हो तपस्या की धुन में रमे बाबा की आस हो बाबा की आस हो श्वासों में प्राण हो अव्यक्त एक आह्वान हो मुरली की तान का अनंत शंखनाद हो तुम महावीर हो वज्र के समान हो कोई ना भेद सके ऐसी चट्टान हो तुम क्रांति वीर हो तुम कर्म वीर हो महिमा तुम्हारी जग में अपरंपार हो। ओम शांति। किसी गुरु ने अपने शिष्यों को बुझे हुए दीपक दिए और कहा जाओ और इन सब दीपकों को शाश्वत ज्योति से जगाओ। सभी शिष्य सोचने लगे शाश्वत ज्योति क्या है। सब गए भांति भांति के उपाय किए किसी ने माचिस जलाई परंतु वो दिए तो बुझ रहे थे किसी ने पत्थर से जलाए किसी ने जुगनुओं को इकट्ठा किया परंतु हवा तेज थी और जंगल में आंधी चल रही थी वो दीपक कैसे जगेंगे और कहां से लाएं वो शाश्वत ज्योति। सारे प्रयत्न किए परंतु विफल हुए थक हार कर वो सब बैठ गए सोचने लगे और उसी समय उनमें से एक जाकर एक झाड़ के पास बैठ गया और आंखें बंद की और भीतर उसने प्रकाश देखा।
अंधेरी रात में, उस निस्तब्ध वायुमंडल में भीतर एक ज्योति का साक्षात्कार हुआ और उसे लगा कि जिस शाश्वत ज्योति की बात गुरु कर रहे थे वो यही है। और वो भाग कर गया और गुरु से कहने लगा कि मैंने उस शाश्वत ज्योति को देखा है। गुरु ने कहा कहाँ, और उस शिष्य ने कहा कि वो शाश्वत ज्योति बाहर कहीं है ही नहीं, वो तो भीतर है। अगर उबलते हुए पानी में हम देखेंगे तो प्रतिबिंब दिखता है क्या? नहीं। प्रतिबिंब कब दिखता है? जब पानी स्थिर हो, निस्तरंग हो, शांत हो, मन के उस निस्तरंग झील में जब झांक कर उस शिष्य ने देखा, वहीं उसे वो प्रतिबिंब दिखा और वो प्रतिबिंब उसका स्वयं का था, ज्योति का था। और गुरु ने कहा कि हाँ, यही शाश्वत ज्योति है। पर ध्यान अब ये रखना है कि ये शाश्वत ज्योति बुझे ना, और ध्यान अब ये रखना है कि इसी शाश्वत ज्योति से तुम्हें जग को प्रकाशित करना है, अपनी ज्योति से स्वयं को प्रकाशित करना। इसमें महानता नहीं है। महानता किसमें है? स्वयं जागती ज्योत बन जगत को जो प्रकाशित करे, एक महाज्योति बनकर, ज्वाला सी जलती मशाल हो तुम, आत्मोन्नति के पथ पे बढ़ते चलो तुम, यज्ञ महावेद की प्रचंड आहुति हो तुम, सूर्य के समान महाज्योति हो तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम। आज की मुरली का पहला समान सभी स्थिर बैठेंगे, आंखें बंद और भ्रुकुटी के मध्य एक जागती हुई ज्योति को देखेंगे। मैं एक चैतन्य दीपक हूं। भ्रुकुटी के मध्य जलता हुआ दीपक देखेंगे। चारों ओर मुझसे दिव्य प्रकाश, अलौकिक आभा फैल रही है। सर्वप्रथम मेरा संपूर्ण शरीर इस आलोक से प्रकाशित है। ये प्रकाश धीरे धीरे इस हॉल में फैल गया है, धीरे धीरे संपूर्ण आबू पर्वत अरावली की वादियों में ये प्रकाश फैलता जा रहा है। समग्र राजस्थान, सकल भारत, एशिया खंड और संपूर्ण वसुंधरा, मैं चैतन्य दीपक हूं, ज्ञान से प्रकाशित, संपूर्ण पवित्रता से प्रकाशित। मैं ज्योति,
ओम शांति। तो आज की मुरली किस पर है? दिवाली। दीपराज आया है। किसके बीच? दीप रानियों के बीच। दीपमाला और दिवाली। दीपराज, दीपरानी, दीपमाला और दिवाली। और सबके पहले एक विशेषण जोड़ दो, चैतन्य। चैतन्य दिवाली। बाहर दीपक जलाने से कुछ नहीं होगा, कितने भी दीपक जला लो, बाहर के दीपकों से भीतर का दीपक कभी नहीं जलता। ये यात्रा तो भीतर की है, स्वयं को प्रकाशित करने की है। दीप स्तंभ बनने की है, दीप बनने की है, द्वीप बनने की है। तो मैं कौन हूं? चैतन्य दीपक। तो ये क्या है? दीप। चैतन्य दिवाली। इसी मुरली में दूसरा समान है, मैं प्रकृति चिदात्मा हूं, मैं प्रकृति का मालिक हूं। प्रकृति की हलचल होगी, प्रकृति नुकसान करेगी, एक तो घर को नुकसान करेगी, पर तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा। धरती हिलेगी, धरती कपेगी, तूफान होगा, परंतु तुम सुरक्षित रहोगे। वहां होगी सूली, यहां होगा कांटा। वहां होगी हलचल, यहां होगे तुम अचल। प्रकृति तुम्हारा नुकसान नहीं करेगी, तुम प्रकृति चीत हो, तुम प्रकृति के मालिक हो, प्रकृति से अप्रभावित। ये दूसरा। तीसरा, ऐसे हलचल के समय में तुम कौन बन जाओगे? विधाता, वरदाता, वरदान देने वाले। आत्माएं तड़पेगी। आत्माएं भी दो प्रकार की, तीन प्रकार की बताए। एक वो जो विरोध करने वाली है, एक वो जो विरोध तो नहीं करती है परंतु जो सहयोगी है, और जो कुछ और आत्माएं हैं जो कहती है देख लेंगे क्या करते हो तुम लोग, संदेह में, संशय में है। तो जो जैसा है उस अनुसार उसको मिलेगा। इंतजार करने वाली, इंतजाम करने वाली। अगला, तुम मास्टर ज्ञान सूर्य हो। मास्टर ज्ञान सूर्य बनकर किरणें फैलाओ। कौन से किरणें? मुरली में क्या आया है? शीतलता की किरणें। मास्टर ज्ञान सूर्य, फिर शीतला देवी क्या करेगी? शुभ भावना और श्रेष्ठ बनने की कामना, विश्व कल्याणकारी। बन ज्ञान सूर्य, बन तुम किरणें फैलाओ। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूं। सूर्य प्रकाश फैलाता है, क्यों? क्या उसे जगत की सेवा करनी है? क्या उसे संसार में प्रकाश फैलाना है? क्या उसे मनुष्यों की मदद करनी है? क्या उसे संसार में प्रकाश लाना है? क्या उसे रात से दुश्मनी है? क्या उसे उसकी या कर्तव्य है, उसकी ड्यूटी है, या उसे जबरदस्ती किया गया है, या उसे कुछ काम दिया गया है, या उससे उसका एक स्वार्थ है कोई छिपा हुआ? क्या उसे अपने पुण्य जमा करने हैं? उसके पास प्रकाश है, इसलिए तो प्रकाश है तो वह रख सकता है, क्यों किसी को दे? वो प्रकाश क्यों देता है? क्या उसे पेड़ों को, पेड़ों की रक्षा करनी है? क्या उसे धरती पर जो कीचड़ है वो पसंद नहीं है? या उसे पानी से कोई दुश्मनी है? क्यों? उसका स्वभाव है, उसे इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है। उसे तो यह भी नहीं पता होगा कि मैं कुछ कर भी रहा हूं, मेरी वजह से कुछ हो रहा है किसी को। उसे किसी से कोई थैंक यू नहीं चाहिए, न मनुष्य से, न पक्षियों से, न पशुओं से, न पेड़ों से, न धरती से, न तत्वों से।
उसे किसी से कुछ नहीं चाहिए, वो जो कर रहा है वो उसका स्वभाव है, इसलिए वो कर पा रहा है और उसे इसकी चिंता भी नहीं है कि मैं प्रॉपर दे रहा हूं कि नहीं दे रहा हूं, और ना ही उसे कोई एडवर्टाइज करनी है। सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन क्लिक करना न दबाए, ना भूले। और भी दो तीन लाइन होती है, फॉरवर्ड भी करें, उसे कोई सब्सक्रिप्शंस नहीं चाहिए, कोई लाइक्स नहीं चाहिए, कोई व्यूज नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, उसे इन सब चीजों से कोई मतलब ही नहीं है। जो उसकी महिमा गाए, उसके लिए अच्छे लिखा, अच्छा कुछ लिखे, उसे कुछ भी लेना देना नहीं। बड़ा हाथी है, छोटा सा पुल है, वो जा रहा है। एक चींटी उस हाथी से पूछती है, क्या तुम्हारे पीठ पर मैं बैठ जाऊं, क्या तुम मुझे उस तरफ ले जाओगे उस पुल के उस पार। हाथी ने सुना ही नहीं, वो बैठ गई और हाथी ने पुल क्रॉस किया। पुल क्रॉस करके चींटी नीचे उतरी और कही, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे ये पुल पार करवा दिया। हाथी ने तो सुना ही नहीं, फिर चींटी ने उसके कान में जाके कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाथी ने कहा, तुम कौन हो, कब बैठी तुम और कब मैंने तुमको यहां लाया, मुझे कुछ पता नहीं। सूर्य को क्या लेना देना किसका क्या हो रहा है, उसका तो स्वभाव ही है, वो अपने आप ही प्रकाशित है, स्वयंभू है, वो स्वयं प्रकाशित है और प्रकाश दे रहा है सबको। तो मास्टर ज्ञान सूर्य हूं, मैंने आपको सकाश दी थी, आपको मिली कब, तुम्हारे मन में ये संकल्प आया कि मधुबन जाऊं, वही तो समय था जब मैंने सकाश दी थी। तो तुम जो आए भी हो इधर, उसमें मेरी सकाश का बहुत बड़ा हिस्सा है, शेयर। ये भूलना कभी भी नहीं, जब भी अनुभव सुनाओ तो ये बात जरूर सुनाना। तो सूर्य देता है, उसे किसी से कोई मतलब नहीं, उसका वो स्वभाव है, और वो जो स्वभाव होगा तो ही दुख नहीं होगा, नहीं तो इस संसार में जो भी सेवा करो, हर सेवा के साथ दुख जुड़ा हुआ है, क्योंकि हर सेवा अपने साथ क्या लाती है, अपेक्षाएं, इच्छाएं, कामना, नाम मान शान की कामना है कि मैंने ये किया। सफलता आती है, असफलता आती है, सूरज के सामने बादल आ जाते हो, क्या वो धरती से कहता है सॉरी, इन बादलों के वजह से मैं तुम्हें कुछ समय के लिए प्रकाश नहीं दे रहा है, तुमको जो समझना है समझो, तुमको तारीफ करना है तारीफ करो, कुछ लोग हैं वो गालियां भी देते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो सूरज के अस्तित्व को ही नकारते हैं कि ये नहीं दे रहा है, प्रकाश कहीं और से आ रहा है। तुम स्वीकार करो या नकारो, तुम मानो या ना मानो, तुम मेरी तारीफ करो, मेरी महिमा करो, मेरा विरोध करो, गालियां दो, तुमको जो करना है करो, मुझे तो पता भी नहीं तुम क्या कर रहे हो। पहली बात तो इतना ऊंचाई पर है वो कि तुम्हारी ये छोटी छोटी आवाजें, तुम उसके लिए वैसे ही चींटी हो, उसे कोई मतलब नहीं है। ऐसा सूर्य बन सेवा करना, नेकी कर, दरिया में डाल। रोज रोज व्यक्ति आके बैठता है, गुरु प्रवचन देता है, वो कहता है मुझे भी कुछ सुनाओ, मुझे भी कुछ सुनाओ, मुझे भी कुछ सुनाओ। गुरु से कुछ नहीं बोलता है, बाकी सबको सब बोलता है। वो कहता है आज मैं जाऊंगा नहीं, मुझे कुछ तो बात बताओ। गुरु कहता है एक ही बात, नेकी कर, दरिया में डाल। वो जाता है, देखता है सड़क किनारे एक बुढ़िया है जिसको दिखाई नहीं देता, वो उसे सड़क पार कराता है, और उसके बाद जहां वो कुआं होता है
उसमें वहां पे उसको ढकेल देता है। दिमाग का कौन सा केंद्र काम कर रहा है ज्ञान सुनते समय, वो उस पर भी ज्ञान निर्भर करता है। राइट टर्न की करना है कि लेफ्ट करना है, श्रीमत तो सभी सुन रहे पर श्रीमत की उल्टी गंगा बहाने वाले भी बहुत है। भगवान को भी जो ज्ञान सुना सकते हैं, भगवान को भी उसकी गलती सुना सकते हैं, भगवान को भी कह सकते हैं आपने इस डेट को ये ऐसा कहा था और मैंने वैसा ही किया जैसा आपने कहा था। चतुर सुजान के बच्चे मास्टर चतुर सुजान। तो ये चार, और पांचवा सुमान कौन सा है? शीतला देवी, माँ माँ कहते हुए आएंगे, छीटे, दया, रहम, कृपा, तीनों शब्द डाल दिए बाबा ने उसमें जो पिछले मुरली में थे, कृपालु दयालु, वो आएंगे तड़पते हुए, पश्चाताप करते हुए, सहारे की खोज में। तुम्हें उन्हें सहारा देना होगा, रहम दिल बनना होगा। वो सब आएंगे जिन्होंने तुम्हें गालियां दी थी, वही तुम्हारी शरण में आएंगे। जिन्होंने विरोध किया था वही कहेंगे माफ कर दो, जीवन भर सताया और अंत में कह रहे अब माफ कर दो। बहुत बड़ा हृदय चाहिए। अपराधी का सबसे बड़ा दंड है क्षमा। पांच समान, तो आज इन पर काम करना है। कैसे काम करेंगे? टेक्निक है विजुलाइजेशन की, क्रिएटिव टेक्निक्स, चित्र बनाओ, विजुलाइज करो, कल्पना करो, नए नए तरीके से नए नए जगह पर जाकर कल्पना करो। मैं चैतन्य दीपक हूं, देखो अंधेरी रात है, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा, उस अंधेरी रात में जंगल के मध्य में मैं दीपक जगमगा रहा। मैं प्रकृति का मालिक हूं, चारों तरफ तूफान आंधी सब कुछ चल रहा है, भूकंप आया है, लैंडस्लाइड हो रही है और हम अचल खड़े। मैं प्रकृति का मालिक हूं, मैं विधाता हूं, वरदाता हूं, आत्माओं को भाग्य बांट रहा हूं और उन्हें वरदान दे रहा हूं। इस मुरली में भी एक वरदान आया है, सदा सदा अमर भव। धनवान भव, भक्त क्या करते हैं? धन देवी का आह्वान करते हैं, तुम धनवान भव, इस स्थिति का आह्वान करो। कैसी ऊंचाइयां है मुरलियों में, ये सारी चीजें प्रैक्टिकल आ जाए। इसमें जरूर कोई ऐसा पुरुषार्थ चाहिए जो अब तक हमने किया ही नहीं। इसमें जरूर समझने के लिए कोई ऐसी बुद्धि चाहिए जो हमारे पास अब तक नहीं है। मुरलियों को अभी तक केवल हमने हाथ लगाया है बस, कहाँ है किताब? अभी तक इसको खोला कहाँ है? We have just scratched the surface. ये ऐसा स्क्रैच किया है बस, थोड़ा सा इसको इसका स्क्रैच किया है और हम आई एम टॉपर, आई एम विनर, आई एम मास्टर मुरलीधर। अभी तो खोला ही नहीं है, अभी तो पढ़ा भी नहीं है, पूरी हेडिंग भी नहीं पढ़ी ठीक से क्या है ये लिखा। ये एक ही शब्द समझ में आ जाए तो अवभाग्य, अव्यक्त। वक्ता की जो स्थिति है उसी स्थिति में स्थित होकर जब तक इसे नहीं पढ़ेंगे तब तक हाथ में कुछ नहीं आएगा। हाथ में आएंगे शब्द, कोरे शब्द, हाथ में आएंगी पॉइंट्स, ज्ञान नहीं, सूचनाएं। जैसे इस मुरली में कितनी सूचनाएं मिल गई, ये सब क्या है? इसे ज्ञान थोड़ी कहा जाता है, ये सूचनाएं हैं। सूचना मिलेगी तुम चैतन्य दीपक हो, बहुत अच्छा। सूचना मिली तुम प्रकृति के मालिक हो, वरदाता हो, मास्टर ज्ञान सूर्य हो, शीतला देवी हो, इसे कहा जाता है सूचना। इसका ज्ञान से कोई लेना देना नहीं। इस पर क्लास कराना और इस पर क्लास सुनना,
और इसको यदि कोई ज्ञान कह रहा है तो उसे कहा जाएगा मूर्खता, सुनाने वाला भी और सुनने वाले भी। ज्ञान अर्थात सूचना जब अनुभूति से जुड़ जाए, एहसास, डीप एक्सपीरियंस, और वो अनुभव केवल एक सेकंड का हो सकता है, केवल एक सेकंड। अगला बाबा ने कहा है अनलिमिटेड हॉल, बेहद का हॉल, ओम शांति भवन बन रहा है। बाबा ने कहा तुम बेहद के बच्चे हो, तुम सागर के बच्चे हो, सागर समान हो, कितने भी हॉल बना लो उसमें नहीं समा सकती है, चार दीवारें हॉल कहां से समाएंगे तुमको। आकाश और धरती ये तुम्हारे हॉल बनेंगे, पांच तत्व तुम्हारा, चार तत्व ऊपर से आकाश। तो आज एक चित्र बनाना है, एक विजुअलाइजेशन वाला चित्र, एक हॉल का, एक अनलिमिटेड, एक बेहद का, असीम हॉल का। कैसा हॉल हो वो, जिसके पांच चारों दीवारें किसकी हो, एक तरफ आग धरती, एक तरफ जल, एक तरफ वायु, पांच चार तत्व और ऊपर से आकाश। ऐसा हॉल होगा तब तुम उसमें समा सकोगे, सागर के बच्चे हो, सागर के, किसी तालाब के होते तो शायद हो सकता, किसी नदी के होते तो हो सकता है, कोई झरने के बच्चे होते तो हो सकता है, पर तुम नहीं हो, तुम हो तालाब जो बेहद, तुम हो सागर जो बेहद का है, जो अनंत है, अनश्वर है, अक्षय है। तो ये एक चित्र। उसके बाद में स्पिरिचुअल असाइलम, बाबा मुरली में शब्द प्रयोग करते एश्लम, ये तुम्हारा स्थान ही क्या बन जाएगा, जहां तुम खड़े हो जो तुम्हारा स्थान है वो क्या, वो एश्लम बन जाएगा, वहां हलचल होगी, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तो इसकी क्या कल्पना की जा सकती है, आध्यात्मिक आश्रय स्थान कैसा होगा, कि जहां आते ही आत्माओं को क्या मिले, राहत मिले, सुकून मिले, आते ही आत्माओं को क्या मिले, शांति, तृप्ति, खुशी, आनंद, उनकी जो पीड़ा है उस पीड़ा से वो मुक्त हो जाए, मरहम उनके जख्मों पर, उनके घावों पर लेप लग जाए। और आज एक और एक काम करना है, नया काम, ये एकदम ही नया काम। कौन सा काम, स्पिरिचुअल वेदर फोरकास्ट। तो आपको एक स्पिरिचुअल वेदर फोरकास्ट बनाना है अपने शहर का। कैसे बनाएंगे, पहले तो ये सुन लो जो स्थूल वेदर फोरकास्ट, मंगलवार का मौसम का मिजाज कैसा रहेगा ये आपको बता देते हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि पूर्वी राजस्थान में आज दिन भर रुक रुक कर बरसात का दौर जारी रहेगा, जैसे ये है, बात करें तो, और उससे भी ऊपर वाला ये है जो आज का ये, और इसको क्या करना है वो बताएंगे आपको। नहीं, ये राजस्थान का ये आज की तारीख का। राजस्थान वेदर में आपका स्वागत है, मेरा नाम है जलमेजे। आइए देखते हैं राजस्थान में मौसम विभाग के अनुसार कैसा रहेगा अगले छह दिनों का राजस्थान वेदर, यानी कि राजस्थान का मौसम। सबसे पहले देखते हैं कि कल यानी 24 नवंबर 2024 की मौसम की जानकारी, और फिर देखेंगे 25, 26, 27, 28 और 29 नवंबर को राजस्थान में मौसम कैसा रहेगा। लेकिन पहले देखते हैं कि कल राजस्थान का तापमान कैसा रहेगा। दिन के समय राजस्थान के जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं बारा, राजसमंद, सवाई माधोपुर, उदयपुर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, झालावाड़,
और करौली, यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 26-26 डिग्री तक रहेगा। वहीं रात की बात करें तो राजस्थान के जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं चित्तौड़गढ़, टोंक, बारा, बूंदी, दौसा, झालावाड़, राजसमंद, दुदू, गंगापुर सिटी और बाड़मेर, यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 13-13 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन राजस्थान के लगभग सभी जिलों में हवा की गति सामान्य रहेगी, कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। अब आइए देखते हैं बारिश की जानकारी। देखिए इस दिन राजस्थान के किसी भी जिले में छिटपुट हल्की सामान्य या भारी किसी भी प्रकार की बारिश होने की संभावना नहीं है। लगभग सभी जिलों में मौसम साफ और सामान्य रहेगा। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन राजस्थान के लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी वज्रपात की संभावना नहीं है। लगभग सभी जिलों में मौसम सामान्य रहेगा। अब आइए देखते हैं 25 नवंबर की मौसम की जानकारी। तो ये था मौसम की जानकारी। अब करना क्या है? करना ये है हमारे शहर का आध्यात्मिक मौसम पूर्वानुमान, शहर माउंट आबू, आज का आध्यात्मिक वातावरण। नमस्कार और ओम शांति। आत्मिक शक्ति का तेज सूरज। हमारे शहर में हर आत्मा का आत्माभिमान प्रबल हो रहा है। इसके परिणाम स्वरूप वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा फैल रही है, जिससे लोग अधिक शांति और स्थिरता महसूस कर रहे हैं। या फिर शहर में रहने वाले सभी आत्माओं की शुभ भावना और शुभ कामनाओं से ठंडी सुकून देने वाली हवाएं चल रही है। यह वाइब्रेशन हर आत्मा को सहारा और नई उम्मीदें प्रदान कर रही है। हमारे शहर में आध्यात्मिक चिंतन और शुभ संकल्पों से आशीर्वाद की रिमझिम बारिश हो रही है। यह वातावरण को मधुर और प्रफुल्लित कर रही है, जिससे हर आत्मा को नई ऊर्जा मिल रही है। आत्मिक साधना और शुद्ध वाइब्रेशन से हमारे शहर में नकारात्मकता का कोई असर नहीं हो रहा है। सभी तूफान शांत हो गए और हर आत्मा स्थिरता का अनुभव कर रही है। हमारे शहर की आध्यात्मिक दीपमाला पूरे वातावरण को शुद्ध और दिव्यता से भर रही है। हमारी आत्मिक ऊंचाई से न केवल लोग बल्कि प्रकृति के 5 तत्व भी प्रभावित होकर सहयोगी बन रहे हैं। यह दिखाता है कि कैसे हमारे शहर के उच्च आध्यात्मिक प्रयास पूरे वातावरण और प्रकृति को शांत और सकारात्मकता प्रदान कर रहे हैं। तो आज आपको क्या करना है, अपने मन का वातावरण क्या है, वेदर फोरकास्ट पूर्वानुमान, ये लिखना है और उसका शहर पर क्या प्रभाव है। तो इसको कहते हैं स्पिरिचुअल वेदर फोरकास्ट। बोर होमवर्क हाँ बोल के रिकॉर्डिंग भी कर सकते विद म्यूजिक, जैसे यहां किया है। तापमान कितना है, बारिश आएगी कि नहीं, वज्रपात होगा कि नहीं, हवाएं कैसी चल रही है, मन की हवाएं कैसी चल रही है, कौन से तूफान आ रहे हैं, विकार अर्थात तूफान चल रहे हैं कि नहीं चल रहे, कि मन एकदम शांत प्रफुल्लित है, पवित्रता ही पवित्रता है, शुभ भावनाओं की रिमझिम बारिश हो रही है, अतिवृष्टि की संभावना है या नहीं है, सैलानियों की क्या स्थिति है, और मौसम इस माउंट आबू में आ रहे हो तो क्या क्या चीज़ों की देखभाल तुमको करनी है यहाँ आने से पहले। ठंडी वाले कपड़े लाना न भूले। तो आध्यात्मिक वेदर फोरकास्ट, अपने मन के मौसम का चित्र बनाना है, चित्र लिखना है, मन का मौसम कैसा है, बाहर ठंडी बढ़ रही है, अंदर क्या हो रहा है, आसमान में बादल है या नहीं है, और है तो कौन से बादल। तो ये आज का काम है। उसके बाद में मे यू बी अर्थात मुरली में है ना धनवान भव, तो ये काम इंग्लिश में करना है सबको। मे यू बी हेल्दी, मे यू बी वेल्दी, ऐसी एक श्रृंखला लिखनी है, मे यू बी की श्रृंखला इंग्लिश में। हिंदी में काम नहीं है, हिंदी की क्लास में इंग्लिश का काम है। मे यू बी हैप्पी, मे यू बी सबके लिए, संसार के लिए, किस तरह की भावनाएं मन में उमड़ती है, संसार के सारे लोग निरोगी हो जाए,
शुद्ध हो जाए, पावन हो जाए, शुद्ध बुद्ध मुक्त हो जाए, संसार के सभी लोगों को वो मिल जाए जो उन्हें चाहिए। सभी तेजस्वी हो जाए, ओजस्वी हो जाए। तो ये आज की मुरली थी। शुरुआत कहाँ से हुई? चैतन्य दीपकों से। आगे बढ़कर बाबा ने किसमें एंट्री की कि मधुबन में सभी दिख रहे हैं, जो है और जो नहीं है, अव्यक्त फरिश्ते नजर आ रहे हैं, बाबा सबको देख रहा है। तीसरा ये हॉल की बात की कि हॉल छोटा पड़ेगा, बेहद के बच्चे हैं, सागर के बच्चे हैं। उसके बाद में प्रकृति की बात की, प्रकृति हलचल करेगी, और उसके बाद में तुम्हारा क्या रोल होगा, दाता विधाता और वरदाता का रोल होगा, और उसके बाद में मास्टर ज्ञान सूर्य विश्व कल्याणी, और उसके बाद में शीतला देवी। ये सब काम तुम्हें करने हैं। तुम क्रांतिवीर हो, तुम कर्मवीर हो, महिमा तुम्हारी जग में अपरंपार हो। अपने आप को स्वयं ही जगाना है, स्वयं ही जागृत करना है, स्वयं ही ज्योति बनना है। तो ये आज की मुरली थी, एक्टिविटी दीपावली में, दिवाली दीपावली ट्रॉफी नहीं है, नहीं ठीक। ओम शांति। आज बाबा ने देवियों को याद किया है, तो उसके लिए हम एक देवियों की एक्टिविटी करेंगे। हाँ, ये एक्टिविटी करने के टाइम सब जितना हो सके मौन में रहेंगे और फील करेंगे, और कोई आवाज़ नहीं, कोई मजाक या कुछ भी नहीं। ओके, तो बाबा हमेशा कहते हैं ना, भक्तों की, बाबा अव्यक्त वाणियों में कहते हैं कि भक्तों की पुकार सुनो। तुम्हें सुनाई नहीं देती है कैसे चिल्ला रहे हैं, तड़प रहे हैं? तो आज हमें भक्तों की पुकार सुननी है। तो दो दो पैर बनेंगे, दो दो जन के, दो दो जन, एक भक्त बनेगा, एक देवी बनेगा। तो आप सब डिसाइड कर लो कौन भक्त बनेगा और कौन देवी बनेगा। दो दो जन खड़े हो जाएंगे उस सामने सामने, दो दो जन, जल्दी करेंगे क्योंकि वापस उनको चेंज होना है, भक्त से देवी, देवी से भक्त। सब खड़े हो जाए, डिसाइड कर लीजिए कौन भक्त बनेगा और कौन देवी बनेगा। भक्त अगर जो बन रहा है वो नीचे बैठ सकते हैं तो बहुत अच्छा, थोड़ा सा पैर फोल्ड करके या ऐसे करके भक्त बने, जो नीचे थोड़ा सा बैंड हो सके बैठने के लिए, क्योंकि भक्त हमेशा देवियों के थोड़ा से नीचे होते। जल्दी बनेंगे, हो गए पैर बनेंगे। ओके, अभी जो देवी है उनके लिए, अभी साइलेंस, जो देवी है उनके लिए, थोड़ा यहाँ पे आ जाएंगे तो चलेगा, थोड़ा आगे, जो देवी है उनके लिए क्या फील करना है वो पहले एक मिनट आगे बंद करेंगे। जो देवी बने हैं, आप सब देवियां हैं, हो कोई देवता नहीं है, सिर्फ देवियां हैं, आज भाई भी देवियां हैं। ओके, तो फील करें, हाथ अपना ऐसे सीधा देखना, हाथ चेक करना, उल्टा पुल्टा ना हो जाए, आंखें बंद देवियों के, फील करो मेरा एक बहुत बड़ा मंदिर है, उस मंदिर में मैं विराजमान चैतन्य देवी शीतला देवी सजी सजाई अपने ड्रेस में, मेरे सामने पूरे विश्व के भक्त खड़े हैं, बैठे हैं, देख रहे हैं मुझे। अभी आंखें खोलेंगे, अपने भक्त की तरफ देखेंगे, भक्त की तरफ देखेंगे। अभी भक्त अपनी मन ही मन में दोहराएंगे, ओ माँ, ओ माँ, दर्शन दो माँ, दर्शन दो माँ, हमारे कष्ट हरो, हमारे कष्ट हरो, ओ माँ। भक्त की आंखों में से आंसू बह रहे हैं, अनहद नाद पुकार है उनकी,
दुख में हैं, तड़प रहे हैं, अभी आप वरदान दो अमर भव का, भक्त भव का वरदान दो। देखो वो भक्त संतुष्ट हो रहे हैं। अभी जो भी देवियां हैं वो चारों तरफ घूमेंगी और चारों तरफ पूरे विश्व को वरदान देंगे, पूरा घूम चारों तरफ पूरे विश्व को वरदान दे रहे हैं। अपनी जगह पे ही घूमना है। अब आप भक्त को उठाएंगे, उनको उठाइए और उनको गले लगाइए। वो एकदम संतुष्ट हो गया। भाई भाई ब्रदरहुड। ओके, अभी जो भक्त बने थे वो देवियां बनेंगे, जो देवियां बने थे वो भक्त बनेंगे। चेंज हो जाइए। ओके, अभी अपना हाथ वरदानी सेम जैसा उन्होंने किया था ऐसा ही करना है। फील करें सजी सजाई मूरत में, मंदिरों में शीतला देवी, भक्त पुकार रहे हैं, ओ माँ ओ माँ, दर्शन दो माँ, दर्शन दो माँ, हमारे कष्ट हरो माँ, हमारे कष्ट हरो। आंसू बह रहे हैं, आंसू बह रहे हैं, भक्त के दुख में है, दर्द में है। अभी आप भक्तों के सामने देखे और भक्त आपके सामने देख रहे हैं, नैनों से मस्तक से आप उनको वरदान दे। अभी आप उनके आंसू पोछेंगे, अभी सब उनके आंसू पोछें, आंसू पोछिए भक्त के और उनको उठाइए, गले लगाइए। भक्त संतुष्ट हो गए, धन्यवाद करें। अच्छा, ओम शांति। शिव प्राणों में हो, शिव श्वास श्वास में बसे, सृष्टि के रचनाकार शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी, सप्तरंगी राजेश्वरी शिव वंशी तपस्विनी, सप्तरंगी राजेश्वरी शिव वंशी तपस्विनी, शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति। शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी।
प्रचंड महाशक्ति। हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति। ताजधारी तिलकधारी मेघधारी क्रांतिकारी। ताजधारी तिलकधारी क्रांतिकारी विश्व कल्याणी। हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति। 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 शिव शक्ति योगेश्वरी। तुम शिव शक्ति योगेश्वरी। आधार तुम अवतार तुम झंकार तुम अंगार तुम। आधार तुम अवतार तुम झंकार तुम अंगार तुम। हो योगी तुम महायोगी तुम। हो आंधी में खामोशी तुम। शिव शक्ति शक्ति योगेश्वरी। शिव शक्ति।